नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। आज डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती है, जिसपे आज देख रहे नवादा विधानसभा प्रत्याशी धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, जिनके द्वारा माला अर्पण किया गया है। इनसे ही जानकारी लें, क्योंकि ये जनसंपर्क अभियान चला रहे थे। उसके बाद जनसंपर्क अभियान चलाते चलाते वो डायरेक्ट आते माला अर्पण के। क्या कहेंगे सर कृष्ण सिंह जी? श्री बाबू को कौन नहीं जानता है, बिहार में आधुनिक बिहार के निर्माता रहे हैं। जब से राजनीतिक जीवन में आया हूँ, सदैव इनकी जयंती मनाता आया हूँ, और आज 133वीं जयंती है। मैं उन्हें नमन करता हूँ, और इनके आदर्श पे 1% भी अगर कोई चले तो वो महान बन सकता है। मैं इन्हीं के आदर्शों पे चल के और आधुनिक नवादा बनाने का संकल्प लेता हूँ। अरे, अभी आप जनसंपर्क अभियान कर रहे थे और यहाँ डायरेक्ट आए, क्या सोच के आए आप? क्या सोच के नहीं, हर एक बार जब भी इनकी जयंती होती है, मैं पिछले 20 साल से जयंती खुद मनाता आया हूँ। चूँकि चुनाव का वक्त था तो क्षेत्र में निकले हुए थे, इस समय आके सवेरे में बहुत लोग आए थे, भीड़ थी, मुझे पता है। शाम में यहाँ पे आके हमने अपना माल्यार्पण किया और एक संकल्प लिया इनके सामने कि मैं जिस तरह से बिहार ने आपको आधुनिक बनाने का काम किया है, मैं आपके मार्गों पे चल के, सतमार्ग पे चल के, और नवादा को भी विकास की पटरी पर लाकर एक नया नवादा बनाने का काम करूँगा। तो आपने सुना कि धीरेन्द्र कुमार मुन्ना के द्वारा यहाँ पर आके माल्यार्पण किया गया, इनके द्वारा लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा। आपको बता देते, नवादा विधानसभा क्षेत्र के यह प्रत्याशी है, निर्दलीय प्रत्याशी है, और लगातार एक एक दिन में दर्जनों जाऊँ जाकर यह जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा। लोगों से मुलाकात कर रहे और हर लोगों की जन समस्या को सुन रहे। नवादा से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए अमन की रिपोर्ट।